देविका खन्ना जी नॉमिनेशन करके आ चुकी है इनके साथ, देख सकते हैं महिला शक्ति के साथ साथ पुरुष भी इनके साथ मौजूद है, और इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहती हैं। आप आज नॉमिनेशन करके आई हैं, कितना आश्वस्त नजर आ रही है आपने? आज मैंने नॉमिनेशन फील किया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने एक तो 11:30 बजे ही नॉमिनेशन कर दिया, जो कि मेरी 11:30 बजे सबसे पहली नॉमिनेशन करने वाली कैंडिडेट सिर्फ दीपिका खन्ना थी, और बार उस इतना ही प्यार देगी, पहला रिजल्ट ही जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट का दीपिका खन्ना का ही आएगा, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सारे प्रतिनिधि एक एक करके जा रहे हैं इस पोस्ट के, क्या मतलब कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सबके मन में उत्साह ही आज। अभी आप अभी से मिठाई बट रही है, क्या तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, एक तो बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे दीपिका को, और बहुत ही अच्छी दावेदार है इस बार के लिए, और इसके पूरे चांसेस हैं जीतने के। वोट फॉर दीपिका। इनसे भी बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी उम्मीदवारी को लेकर? मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि दीपिका इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, तो प्लीज वोट फॉर दीपिका खन्ना। तो लोगों को दीपिका खन्ना को ही क्यों वोट करना चाहिए? डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, और डिजर्विंग है, तो इसको वोट करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके साथ जो इनके समर्थक मौजूद है, कह रही डिजर्विंग है, हार्ड वर्किंग है, इन्हें जिताना ही चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, मैं कुछ पीछे खड़े चेहरों से भी जानना चाहूँगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग पर्सन को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, एंड दीपिका इज वन ऑफ द वेरी हार्ड वर्किंग एडवोकेट्स वी हैव, सो वी शुड गिव 100% सपोर्ट। यहाँ पे कुछ पुरुष से भी जानना चाहेंगे, अभी तक हमने सिर्फ फीमेल के समर्थक से बात करे थे, यंग लॉयर मेरे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कि आज खास करके कोर्ट में जो बात होती है, जो पुराने लॉयर हैं, नए लॉयर हैं, उनके बीच में दीपिका खन्ना कितना समन्वय बना सकती हैं काम? बिल्कुल समन्वय बनवा सकती है, और बिल्कुल जो नए जो लॉयर्स बन रहे हैं उनको सपोर्ट करती है मैम, और समन्वय बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीपिका मैम को दें। आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे, और जो नए लॉयर आ रहे हैं, तो इन दीपिका खन्ना जी एक्सपीरियंस लॉयर के साथ भी कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या लगता है आपको सही उम्मीदवार कैसे साबित होंगे? दीपिका खन्ना का कोऑर्डिनेशन लगातार लॉयर्स के साथ बना हुआ है, कोई नई कैंडिडेट नहीं है, लोगों में वेल टू नोन है, पिछले साल से भी चुनाव में बहुत एक्टिव थी, उससे पहले भी एक्टिव थी, तो कोऑर्डिनेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा करेंगी ही करेंगी। साथ में जो यंग जो हमारी फर्टिनिटी आई है लॉयर्स की, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि इनके में काम करने का जज्बा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी सुना, ये कह रही हैं कि यंग और जो एक्सपीरियंस लॉयर है उनके बीच में ये एक ब्रिज के काम करेंगी, और ये बहुत ही अच्छा उम्मीदवार साबित होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 15 तारीख को कि कौन जीतता है, फिलहाल ये अपने जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए द ग्राउंड न्यूज़ के साथ।